हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एल्केन के नाम हम कैसे लिखेंगे, हाउ वी राइट दी नेम्स ऑफ एल्केन। तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले देखिए बेटा, दिस इज दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2। तो अगर हमारे पास कार्बन कितना है 1, एन अगर हमारे पास 1 है तो क्या होगा, C1H2 × 1+2, दैट इज CH4। ठीक है, अगर C हमारे पास कितना है 2, CH4 कितने कार्बन है 1, मिथ, और एल्केन के लिए एन, क्या नाम हो गया CH4 का, मिथेन। C2 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 प्लस 2 6 हो गया C2H6, कितने कार्बन है 2, दो कार्बन के लिए क्या पढ़ा था हमने, इथ प्लस एन, क्या बन गया, इथेन। अब जब हमारा एन क्या है 3 है, तो इसमें पुट करिए वैल्यू C3, 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 2 8 H8, 3 के लिए प्रोप यूज़ किया था हमने, प्लस ये क्या हो गया एन, क्या बन गया प्रोपेन। अगर n हमारे पास क्या है 4, C4 4 2 ज़ा 8 8 और 2 10, दिस इज़ योर C4H10, दिस इज़ योर ब्यूटेन, ये क्या बन गया ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए फिर से हम लिख लेते हैं CnH2n+2, इफ n इज़ 5, C5H2 × 5+2, दैट इज़ C5 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 = 12, C5H12, इफ 5 कार्बन इज देयर देन पेंट प्लस एन पेंटेन, क्या बन गया आपका ये पेंटेन। इफ द कार्बन नंबर n = 6 n = 6, C6H2 × 6+2, C6 6 2 ज़ा 12 + 2, दैट इज़ दी 14, C6H14। इफ n = 7, C7H2 × 7+2, दैट इज C7H7 2 ज़ा 14 14+2, दैट इज 16। 7 के लिए क्या होगा, वो 7 देर इज अ हाफ्ट प्लस एन हाफ्टीन। C8H2 × 8+2, C8 8 2 ज़ा 16+2, दैट इज 18। C8 ऑक्ट सफिक्स इज यू प्रीफिक्स इज यूज ऑक्ट, दिस इज योर एल्कीन, देन सफिक्स इज एन, दैट इज द ऑक्टेन। C9H2 × 9+2, C9 9 2 ज़ा 18+2 H20, दिस इज योर नॉनेन, क्या हो गया वो आपका नॉनेन। इफ n = 10, C10H2 × 10+2, C10H2 10 2 ज़ा 20+2 22, दिस इज योर डाकेन, 10 के लिए डाक, इन सफिक्स ऑफ एल्केन, दैट इज योर डाकेन। देर इज़ नो कॉमा, नो हाइफन, नो इन्वर्टेड कॉमा, नो स्पेस, हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। Is it clear? ठीक है, एल्कीन की ओर कर लेते हैं। देखिए एल्कीन जनरल फॉर्मूला CnH2n, इफ n इज इक्वल टू 1, C1H2, नथिंग इज दिस बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट एंड ही और कार्बन सेटिस्फाई ओनली 2 वैलेंसीज, सिर्फ कार्बन कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास होगा इफ एन इज इक्वल टू 2, इफ एन इज इक्वल टू 2, C2H2 × 2, दैट इज C2H4, 1 2 1 2
और एक बॉन्ड क्या बना दिया, थ्री। तो दीज बोथ द कार्बन सेटिस्फाई द थ्री वैलेंसी, बट कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, सो इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। जो कार्बन की वैलेंस देर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन, देर आर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन, थ्री यहाँ शेयर हो गए, वन हीयर, वन हीयर, वन हीयर, और जो बचा था अनशेयर्ड वो दोनों ने आपस में शेयर किया और क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। वाज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नाम नहीं बताया मैंने उसको, क्या था, सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच टू, वट इज़ द नेम, इथ टू कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है तो ईन, क्या नाम हो गया, इथीन। अब देखिए, एन इज इक्वल टू थ्री, सी थ्री एच टू इन टू थ्री, दैट इज सी थ्री एच सिक्स, वन टू थ्री, वन ये डबल हो गया, सिंगल एच 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 एच, दो तीन चार, दो ये एक ही हो गया, एक दो तीन चार, ठीक है। और यहाँ कितने हो गए, थ्री, थ्री और थ्री सिक्स हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, वन टू थ्री, प्रॉप। अब देखिए बेटा, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, वी मस्ट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो प्रॉप, एट विच कार्बन दिस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ऑन द फर्स्ट कार्बन, प्रॉप वन, ईन। आप देखिए बेटा, लेट सी, सी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, वी कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम हियर। नाउ दिस डबल बॉन्ड इज विद कार्बन टू। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, आपने नंबर वन पे ही क्यों दिया इसको, यहाँ से ये दो भी तो हो सकते हैं। नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप में देखो, कोई भी कार्बन चेन है, कितनी भी बड़ी है चाहे छोटी है, तो एक तो उसका स्टार्ट होगा, एक एंड होगा। तो स्टार्ट कौन सा होगा, स्टार्ट वो होगा, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड विच अलॉट द लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, विच अलॉट द लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर टू द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप को क्या दे, लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर दे, वहाँ से करेंगे। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या है, इसको नंबर जो हम दे रहे हैं, यहाँ से इसको दो नंबर मिल रहा है इन को, और इधर से इसको कौन सा मिल रहा था, वन मिल रहा था, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया, वन। सो वी प्रीफर दी वन, तो हम किसको प्रीफर करेंगे, वन को प्रीफर करेंगे। If C is equal to 4, 4 into 2, that is C 4 H 8, 4 2 is 8, 1, 2, 3, 4, अब डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने यहाँ, H H सिंगल सिंगल H H H H H H 3 3 6 और ये क्या है, 8, 8 पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर से क्या मिलेगा, वन टू थ्री, इधर से इसको थ्री मिल रहा है, इधर से इसको वन मिल रहा है, तो किसको प्रेफरेंस दोगे, वन को। तो क्या हो गया ये, ब्यूट वन इन, क्या हो गया ये, ब्यूट वन इन, नाइन्थ क्लास, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्यूट वन इन। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएगा। यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, आप क्लास में नहीं हैं, आप फिजिकली मेरे सामने नहीं हैं, नहीं तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराती। अब आपको खुद से ही करनी है ये प्रैक्टिस, यू मस्ट हैव टू डू, यू हैव टू डू योर ओन, ठीक है, आपने ये खुद करना है। प्लीज़, अगर नेमिंग आपको तभी क्लियर होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो इट मीन्स देर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू फेस, there will be a lot of problems you are going to face, and you can drop that problems in comment section or to my personal number, is it clear, please ask the problems you face। next हम next class में करेंगे, मैंने आपको थोड़ा इसीलिए कराया ना, मैं इसको complete करा सकती हूँ, but आपके लिए क्या है, this is new thing for you, इससे पहले organic के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा, सो इट्स न्यू फॉर यू, इसलिए मैं इसको
थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, बट यू हैव टू डू. इफ यू डू नॉट डू द थिंग्स देन दैट आर नॉट क्लियर. इज इट क्लियर? अभी हमने सिर्फ याद रखना, सिर्फ हमने कहाँ तक किया ब्यूटीन. अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन और भी चेंज हो सकती है, यहाँ भी आ सकती है. तो ये क्या हो जाता, वन टू ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन हो जाता. इज इट क्लियर? तो कल फिर से मिलते हैं. गॉट इट? ओके. तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद, जय भारत.